मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ पर सियासत पिछले 20 साल से हो रही है, लेकिन अब तक ये योजना कागजों से जमीन पर नहीं उतर पाई, बावजूद इसके कि हर चुनाव में यह सियासी मुद्दा रहता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हर चुनाव में राम वनगमन पथ एजेंडा, साल से कागजों में ही क्यों है मुद्दा? जब जब विधानसभा का चुनाव करीब आता है, तब तब राम वनगमन पथ की चर्चा तेज हो जाती है। पक्ष और विपक्ष दोनों इसे सियासी हथियार बनाते हैं, लेकिन किसी के भी राज में ये योजना कागजों से जमीन पर नहीं उतर पाई। अब जब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, तो सरकार न्यास का गठन कर जल्द काम शुरू करने का दावा कर रही है, तो वही कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी हथियार करार दे रही है। रामपद कमन समिति को लेकर के मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार 2017-18 में जब आई, तब भी उन्होंने झूठ का पुलिंदा खड़ा कर दिया। कहा 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा किया था कि चित्रकूट से लेकर दंडकारण्य तक, जहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अवशेष थे और वो अपने वनवास काल के समय गए थे, उन सारी जगह की जितनी मंदिरें हैं उनका जीर्णोद्धार कराएंगे, वहाँ की जो सड़क है वो खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन कहीं भी, चाहे वो चित्रकूट का मसला रहा हो, चाहे वो सतना का मामला रहा हो, चाहे वो अमरकंटक का रहा हो, कांग्रेस की सरकार ने 5 किलोमीटर की सड़क को कंक्रीटिंग नहीं कराया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही धर्म के नाम पर सियासत की और वो करती आ रही, उसी के दम पर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसा आप जानते हैं कि पिछले 19 साल से निरंतर इनकी सरकारें हैं, इनने राम वन गमन पथ के ऊपर कभी काम नहीं किया। कोई जानता तक नहीं था कि राम वन गमन पथ के बारे में आखिर मध्य प्रदेश का संबंध क्या है। सबसे पहले कमलनाथ जी की जब सरकार आई 15 माह की, हमने राम वन गमन पथ पर काम शुरू किया और आज भाजपा कहीं ना कहीं हमारे काम का अनुसरण कर रही है। इससे साबित होता है कि भाजपा सिर्फ राम के नाम राजनीति करना जानती है। मध्य प्रदेश में 2004 में राम वन गमन पथ की चर्चा हुई थी, तब संरक्षित जंगल की वजह से मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। कमलनाथ सरकार में इस पर हलचल बढ़ी, सरकार गिरने से फिर मामला थम गया। शिवराज सरकार ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, न्यास गठन के बाद काम शुरू करने की बात कही जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही इसमें कुछ न कुछ पेच अटका हो, लेकिन बीजेपी हर चुनाव के घोषणा पत्र में राम वन गमन पथ को शामिल जरूर करती रही। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुत्व और आस्था से जुड़े मामलों पर बीजेपी की सरकार प्रोएक्टिव है, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हो या फिर ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगाने की बात या फिर धार्मिक स्थलों को डेवलप करने की बात, सरकार ने इन योजनाओं को पूरी प्राथमिकता दी। लेकिन ये भी सच है, राम वन गमन पथ को लेकर जितनी तेजी होनी चाहिए थी वो नहीं रही, क्योंकि बीजेपी कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक रहती है, लिहाजा कांग्रेस को मजबूरी में धर्म से जुड़े मामलों पर आगे रहना पड़ रहा है ताकि ध्रुवीकरण की स्थिति ना बन पाए। रामगमन पथ का आइडिया सबसे पहले 2006-07 में शिवराज सिंह चौहान लाए थे, इसके बाद ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया और 2018 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो कमलनाथ ने, चूंकि उन्हें हनुमान जी का भक्त वो अपने आप को बताते हैं, इसके लिए कुछ बजट का प्रावधान भी किया, लेकिन वो सरकार गिर गई। इसके बाद अब बीजेपी की सरकार ने वर्तमान में जो बजट है उसमें 300 करोड़ का इसके लिए प्रावधान किया है और इस मार्फत कहीं ना कहीं ये बीजेपी की गवर्नमेंट का आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टि रखते हुए एक बड़ा स्टेप है। मध्य प्रदेश में चित्रकूट से शुरू होकर सतना, पन्ना, अमानगंज, कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल होते हुए अमरकंटक तक राम वन गमन पथ का निर्माण होना है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे में अगर राम वन गमन पथ बन जाता है, इससे न सिर्फ प्रदेश का मान बढ़ेगा बल्कि विंध्य और महाकौशल में रोजगार की समस्या भी कुछ हद तक खत्म हो जाएगी। यानी न सिर्फ धार्मिक लिहाज से बल्कि रोजगार और विकास के लिहाज से भी ये योजना कारगर साबित होगी। शायद इसीलिए हर चुनाव में ये सियासी मुद्दा बनता रहा है, क्योंकि ये आस्था के साथ साथ लोगों के सरोकार से भी जुड़ा मसला है।
मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भगवान राम को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। राम वन गमन पथ को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत काफ़ी ज़ोर शोर से, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल करते हुए आए हैं, लेकिन पथ अभी तक ज़मीन पर उतर नहीं आया है और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। सवाल ये उठते हैं कि जब भगवान राम को लेकर राजनीति इतनी ज़ोर शोर से की जा रही है तो जो राम वन गमन पथ है आखिर उसका निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। विजनिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि राम वन पथ में केंद्र को भी मदद करनी है, प्रक्रिया में देरी से राशि नहीं मिल पा रही, न्यास के गठन से काम में तेजी आने की संभावना है, लेकिन काम तो शुरू जब होगा तब होगा, लेकिन राजनीति इस पर हावी है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में दिखाने की कोशिश भी की जा रही है कि कौन कितना धार्मिक है, तो उस लिहाज से मुद्दा काफी ज्यादा फिट बैठता है।